सर आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सर। ओके ओके सर। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक विभाग यामध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे। आज आपण इयत्ता 9वी मधील विज्ञान भाग विज्ञान या विषय अंतर्गत पाठ क्रमांक 6 से लेके पाठ क्रमांक 10 के जो अति इम्पोर्टेंट सवाल है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आज हम शुरू करेंगे पाठ क्रमांक 6 से लेके 10 के सभी इम्पोर्टेंट सवाल। पाठ क्रमांक 6 है जो उसका नाम है वनस्पति का वर्गीकरण। आपने दिवाली वेकेशन में पढ़ा होगा या उसके पहले भी आपने पढ़ा होगा, तो इसका हम रिवीजन करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसके ऊपर हम थोड़ा फोकस करने वाले। तो पहला पाठ है 6 नंबर का, उसका नाम है वनस्पति का वर्गीकरण। उसमें प्रश्न क्रमांक 1 ये है, अ ब क और इनकी जोड़िया लगाना है। देखिए अगर आपने वो पाठ पढ़ा होगा तो उसमें तीन वनस्पति का वर्गीकरण है। उसमें दिया था कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत्ति बीज और आवृत्ति बीज। ये जो पाठ के मुद्दे हैं वो हमने पढ़े थे और उसके ऊपर कैसे फिलिंग द ब्लैंक्स या जोड़ी लगाने के लिए सवाल आते हैं वो हम देखने वाले हैं। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ स्तंभ अस्तंभ है, उसके बाद ब स्तंभ और क स्तंभ है। अभी हम क्या करने वाले हैं कि अस्तंभ जो है उस स्तंभ में हमने सवाल दिए, क्या क्या सवाल है देखो। थैलोफाइटा, अब थैलोफाइटा इस वनस्पति ये जो फैमिली है उसमें क्या आता है देखो। वनस्पतियों की वृद्धि प्राय पानी पानी में होती है, मतलब जो थैलोफाइटा रहता है उसकी वृद्धि किस में रहती है, पानी में रहती है। और उसका उदाहरण क्या है, शैवाल। अगर आप बुक में देखते हैं तो पहला वाला जो सवाल है उसमें आपको जोड़ी लगाने के लिए कहा गया है और आपको तीन अ ब क और तीन ये दिए है, तो उसमें आपको जोड़ी लगाना है। तो थैलोफाइटा है जो उसका आंसर क्या है, जो उसकी वनस्पति वो शैवाल है और वो कहाँ आती है, तो वनस्पति वृद्धि पानी में होती। उसके बाद है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इन वनस्पतियों का प्रजनन के लिए पानी की ही आवश्यकता होती है। और उस कौन सी वनस्पति रहती है, वो पुनेरिया रहती है। उसके बाद है टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा देखो इसमें भी क्या है, पानी तथा अन्न के सेवन के लिए ऊती आवश्यक होती है। और उसके लिए यहाँ इस तरफ हमने क्या दिए हैं, पेड़ के नाम दिए हैं, मतलब उसमें कौन कौन से पेड़ पौधे आते हैं। तो टेरिडोफाइटा में कौन से पर्ण आते हैं, उसमें है पर्ण। उसके बाद अनावृत्ति बीज है। अनावृत्ति बीज इसका मतलब है बीज पर प्राकृतिक आवरण नहीं होता और उसका उदाहरण है साइकस। उसके बाद है आवृत्ति बीज, इसका मतलब फल के अंदर बीज बनते हैं और उसका उदाहरण क्या है, इंक। मतलब ये जो सवाल है आपको 2 मार्क के लिए भी आ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन पेपर अगर 10-10, 20-20 मार्क या फर्स्ट सेमेस्टर रहता है तो उसमें इस पे सवाल आ सकते हैं। और ये जरूरी है, इसमें पूरे पार्ट का ये समरी है, ये पूरे पार्ट की समरी है। अगर देखे तो हमने थैलोफाइटा देखा था, ब्रायोफाइटा देखा है, टेरिडोफाइटा है, ये शॉर्ट ये समरी में है। अगर आप बुक में देखा होगा तो ज्यादा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछते समय जो पूछा गया है वो थोड़ा एकदम शॉर्ट में आंसर। उसके बाद दूसरा सवाल है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तथा कथन का करण पुष्ट करें। मतलब आपको कुछ सवाल दिए जाते हैं रिक्त स्थानों के लिए और वो रिक्त स्थान आपको भरना पड़ता है और उसका कारण भी लिखना पड़ता है। 6ठा पाठ है, उसमें देखो ये सवाल है, यहाँ टिम्बर टिम्बा है, यहाँ मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स भरा है। पहले सवाल देखते हैं, डॉट डॉट इस वनस्पति का शरीर प्रमुख रूप से नरम और तंतुमय होता है। अब कौन से वनस्पतियों का शरीर तंतुमय और नरम होता है, तो उसका उत्तर है थैलोफाइटा। कारण क्या है, इसका रीजन देखो क्या है, थैलोफाइटा विभाग में शैवाल वनस्पति का समावेश होता है। इसके पहले भी हमने देखा शैवाल वनस्पति जलीय होने के कारण उसका शरीर नरम तंतुओं का बना होता। अभी थैलोफाइटा क्या है, पानी में आती है, पानी का समावेश पानी में आते हैं, तो उसका शरीर जो रहता है जलीय वनस्पति, पानी इसका मतलब जलीय वनस्पति, इसलिए उसका शरीर क्या रहता है, नरम और तंतुओं से बना रहता है।
दूसरा सवाल है, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स भरा है, यहाँ डॉट है, डॉट डॉट समूह की वनस्पति जगत को उभयचर कहा जाता है, किस वनस्पतियों को क्या कहते उभयचर कहा जाता है, जो ब्रायोफाइटा के समूह की जो वनस्पति है, देखो ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा समूह की वनस्पति गीली मिट्टी में बढ़ती है, इसका आंसर क्या है, ब्रायोफाइटा, मतलब गीली, जहाँ गीली जगह रहती है वहां ब्रायोफाइटा की वनस्पति क्या होते आते, लेकिन प्रजनन के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ती है, एक गीली जगह आते हैं लेकिन उनको प्रजनन के लिए क्या होते, पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इन वनस्पतियों को, इन वनस्पति जगत को क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं, मतलब पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। तीसरा सवाल है, टेरिडोफाइटा वनस्पति में अलैंगिक प्रजनन टिम्बर निर्मित द्वारा, जबकि लैंगिक प्रजनन टिम्बर निर्मित द्वारा होता है, या जो येलो कलर का है वो फिलिंग द ब्लैंक्स है, मतलब ये रिक्त स्थान की पूर्ति की है, तो उसका आंसर क्या है, देखो टेरिडोफाइटा वनस्पति में अलैंगिक प्रजनन बीजाणु निर्मित द्वारा, जबकि लैंगिक प्रजनन किससे होता है, युग्मक द्वारा होता। उसके बाद तीसरा ई, डॉटेड वनस्पति में प्रजनन के नर और मग मादा अंग एक ही वृक्ष के, या वृक्ष गलती से हो गया, वृक्ष के अलग अलग बीजाणु पत्र पर पाए जाते हैं, किसमें होता है, किनसे, कौन से वनस्पति में होता है, तो जो अनावृत बीज रहते हैं, जैसे उसमें क्या होता है, एक ही वृक्ष पर नर और मादा रहते हैं और अलग अलग, यहाँ देखो जो टेरिडोफाइटा का कहा था, जैसे बीजाणु और युग्मक की निर्मिति, तो थोड़ा गलती से इस तरफ आया है, देखिए क्या है उसमें, टेरिडोफाइटा विभाग में वनस्पति पान पान के निचले भाग पर बीजाणु तैयार करते, ये ई का संक्षिप्त तो मतलब आंसर है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टेरिडोफाइटा विभाग में उनके वनस्पति के जो पान रहते, पत्तियां रहते, उनके निचले भाग पर क्या रहते हैं, बीजाणु तैयार होते, उनकी सहायता से वनस्पति तैयार होने वाले बीजाणु से अलैंगिक प्रजनन करते, मतलब बीजाणु तैयार होते हैं उनके सहायता से वनस्पति क्या करते हैं, अलैंगिक प्रजनन करते हैं, जिस समय पानी कम होता है उस समय इस पद्धति का उपयोग किया जाता है, मतलब जब पानी कम हो जाता है तब क्या किया जाता है, अलैंगिक प्रजनन का उपयोग किया जाता है, जब परिस्थिति ठीक अनुकूल रहती है, अच्छी रहती है, पर वनस्पति लैंगिक प्रजनन युग्मक तैयार करके प्रजनन करती, मतलब जब परिस्थिति पोषक रहती है तब वनस्पति क्या करती है, लैंगिक प्रजनन युग्मक तैयार करके करती। और ई का जो अनावृत्ति का है, अनावृत्ति वनस्पति में ऐसा क्या है, तो अनावृत्ति वनस्पति बीज की वनस्पति जो रहती है, उनका विभाग है, उसमें नर तथा मादी एक ही वृक्ष के अलग अलग बीजाणु पत्र पर पाए जाते हैं, मतलब चौथा जो ई जो हमने देखा था उसका आंसर बीज है, तो उसका कारण क्या है कि नर और मादी, यहाँ देखो नर और मादी एक ही वृक्ष के क्या कहते हैं, अलग अलग बीजाणु पत्र पर पाए जाते हैं, इसलिए उसका उत्तर क्या है, बीज है। मतलब ये जो दो सवाल हमने देखे, ये पहला वाला ये वनस्पति वर्ग है, जैसे थैलोपाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत्ति और आवृत्ति बीज, ये और उसके बाद ये फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब ये दो सवालों में पूरे पाठ का मतलब 90% इसमें कवर हो जाता है, 90% या 100% उसमें कवर हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद है पाठ क्रमांक 7, नाम है परित तंत्र के ऊर्जा प्रभाव। अब इसमें में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले मैंने कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है उसके ऊपर हम क्या है चर्चा करने वाले। जैसे यहाँ देखो जैविक भू रासायनिक चक्र है, जैविक प्रक्रिया और अजैविक प्रक्रिया। अब जैव भू रासायनिक चक्र में कौन कौन से आते हैं, कार्बन चक्र आते हैं, ऑक्सीजन चक्र आता है और नाइट्रोजन चक्र आता है। अब जैविक प्रक्रिया क्या रहती है कार्बन चक्र में, तो प्रकाश संश्लेषण और शोषण विघटन द्वारा किया जाता है, मतलब इसमें कार्बन चक्र में प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है और उसके बाद जो विघटक रहते हैं उसका क्या होता है विघटन होता है, जो घटक रहते हैं उसका विघटन होता है। अजैविक प्रक्रिया में क्या होता है, ज्वलन पानी में अवशोषण, क्या है ज्वलन पानी में क्या होता है अवशोषण होते हैं। के बाद ऑक्सीजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र में सेम प्रकाश संश्लेषण और शोषण और विघटन द्वारा
विघटन होता है। इसमें क्या होता है देखो, ज्वलन होता है, ओजोन और ऑक्साइड की निर्मित होती है। ऑक्सीजन चक्र में अजैविक प्रक्रिया में क्या होता है, ओजोन और ऑक्साइड की निर्मित होती है, और जैविक प्रक्रिया में भी क्या है, विघटों का विघटन होता है। उसके बाद है नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र में देखो विघटन द्वारा विघटन अमोनियाकरण और जैविक स्थिरीकरण होता है। यहाँ अमोनियाकरण होता है और क्या होता है, जैविक स्थिरीकरण होता है। ये जैविक प्रक्रिया में, अजैविक प्रक्रिया में क्या होता है, कारखाने में जैसे औद्योगिकरण रहता है, जहाँ बड़े बड़े कारखाने रहते हैं, उसके बाद बिजली का धड़कना, नाइट्रेट नाइट्रीकरण या विनाइट्रीकरण इसमें होता है, जो बड़े बड़े कारखाने रहते हैं उसमें से नाइट्रोजन बाहर हो जाता है ऐसा, ठीक, मतलब जहां बड़े बड़े कारखाने रहते हैं। मतलब नाइट्रोजन चक्र में जैविक प्रक्रिया में विघटन द्वारा विघटन अमोनियाकरण उसमें होता है और जैविक स्थिरीकरण रहता है, और अजैविक प्रक्रिया में क्या क्या आता है, कारखाने मतलब कारखाने से निकलने वाला पानी या धुआं रहता है, उसके बाद बिजली तड़कना ऊपर आकाश, जब बारिश आती है तो बड़ी बड़ी बारिश आते समय उसमें बिजली ऊपर तड़कती है, उसमें क्या होता है, नाइट्रीकरण भी रहता है विनाइट्रीकरण भी रहता है। यहाँ पारितंत्र है, गलती, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है, ये पारितंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशा में होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए इसका रीजन है, ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जब हम ऊर्जा के बारे में देखते तो सूर्य जो है एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है। उत्पादक हरे वनस्पति, मतलब पारितंत्र में उत्पादक हरे वनस्पति और ऊर्जा का कुछ परिणाम भोजन के रूप में संग्रहित करती है। जो वनस्पति रहती है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करती है, हमारा वनस्पति अन्न तैयार करती है और वो मतलब भोजन के रूप में वो संग्रहित करती है। ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरा पोषण स्तर तक संक्रमित होती है, मतलब जो ऊर्जा लिया जाता है वो ऊर्जा एक स्तर से क्या होता है, दूसरे स्तर पर संक्रमित किया जाता है, मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर में दिया जाता है। कोई भी ऊर्जा सूर्य की विपरीत दिशा में वापस नहीं आती, मतलब जो भी सूर्य ऊर्जा ली जाती है, सूर्य से ऊर्जा ली जाती है वो वापस नहीं जाती, जैसे वनस्पति ऊर्जा लेते तो वो वापस नहीं देती, तो विपरीत दिशा में रिटर्न नहीं जाते, इसलिए उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा का प्रभाव एक दिशा होता है। देखो यहाँ ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है, उत्पादक हरि वनस्पति और ऊर्जा का कुछ परिणाम भोजन के रूप में संग्रहित करते हैं करते हैं। ऊर्जा का एक पोषण स्तर दूसरी पोषण स्तर तक संक्रमित होता है, कोई भी ऊर्जा सूर्य की ओर विपरीत दिशा में वापस नहीं जाती, इसलिए जो पारितंत्र है उस पारितंत्र को क्या कहता है, ऊर्जा का एक दिशा में प्रवास एक दिशा होती है ऐसा कहते हैं। उसके बाद आठ नंबर का पाठ है, उसमें उपयुक्त और उपद्रव्य सूक्ष्म जीव, जो कुछ सूक्ष्म जीव रहते हैं वो सूक्ष्म कुछ उपयोग रहते हैं और कुछ अनुपयोगी रहते हैं। जैसे देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से योग्य विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए तथा उनका स्पष्टीकरण देना है, मतलब या कुछ आंसर दे उसका, कोई सवाल दे उसका आंसर लिखना है, वो क्यों है ऐसा हमें उसको बताना, किन्व इसका मतलब ईस्ट, किन्व में डॉटर पद्धति से अलैंगिक प्रजनन, किन्व में किस प्रकार का लैंगिक अलैंगिक प्रजनन होता है, मतलब इसमें अलैंगिक पद्धति से प्रजनन होता है और अनुकूल परिस्थिति मिलते ही अनुकूल पद्धति से इष्ट की वृद्धि तीव्रति से होती है। तो किन्व में कौन से अलैंगिक प्रजनन किससे होता है, तो मुकुलन से होता है, किससे होता है, मुकुलन से होता है और अनुकूल परिस्थिति मिलते ही मुकुलन पद्धति से इष्ट की वृद्धि क्या होती है, बढ़ जाती है। उसके बाद है फफूंदजन्य विषाली रसायनों को टिम्ब टिम्ब कहते हैं। अब जो विषैले रसायन रहते हैं उसको क्या कहते हैं, तो देखिए यह येलो कलर से जो लिखा है उसका आंसर है माइकोटॉक्सिन कहते हैं। कवक की विविध प्रजाति विषैले पदार्थ निर्माण करते हैं। देखो कवक की विविध प्रजाति रहती है, उसमें से कुछ क्या कहते हैं, विषैले पदार्थ निर्माण करते हैं जहर वाले। कवक अवघटन का काम करते समय खाद्य पदार्थ के पोषण द्रव का अवशोषण करता है। कवक क्या करता है, अपघटन का काम करते समय
खाद्य पदार्थ का द्रव का अवशोषण करता है और उसी समय माइकोटॉक्सिन क्या होता है पदार्थ में मिल जाता है। कौन सा टॉक्सिन, कौन सा विषाली रसायन है, तो माइकोटॉक्सिन है। और वो कब तैयार होता है, जब कवक का अपघटन का काम करते हैं तो वो पदार्थ से पोषण द्रव्य क्या करता है, चूस लेता है और उसी समय क्या होता है माइकोटॉक्सिन पदार्थ में मिल जाता है। उसके बाद है डॉट डॉट के कारण सीमावर्गीय वनस्पति अधिक मात्रा में प्रतिनिर्मिति कर पाती है। उसका आंसर है राइजोबियम। इसका आंसर क्या है, राइबोसियम। अब उसी तरह जैसे हमने कहा कि कुछ उपयुक्त और अनुपयुक्त कुछ सूक्ष्म जीव है, उसी तरह देखो यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए हैं और उसमें कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं हमें वो लिखना है। जैसे देखो निम्नलिखित पदार्थों में कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और उसके नाम लिखना है। जैसे दही आपको पता है, डबल रोटी पता है, दलहन के पौधों की जड़ों की गांठें आपको आपने देखा होगा, उसके बाद इडली और डोसा। अब देखिए जैसे दही है तो दही में क्या होता है लैक्टोबैसिलिया जो सूक्ष्म जीव है वो पाए जाते हैं। डबल रोटी में क्या रहता है, ईस्ट रहता है, उसी तरह इडली में भी ईस्ट रहता है और डोसा में भी ईस्ट रहता है। दलहनों के पौधों की जड़ों की गांठी इसमें क्या रहता है, राइबोसियम रहता है, उसमें क्या रहता है, राइबोसियम रहता है। मतलब ये कुछ सवाल है, मतलब बुक के ही कुछ सवाल है। जैसे दही में क्या आता है, लैक्टोबैसिलस आता है। डबल रोटी में क्या रहता है, ईस्ट रहता है। दलहन के पौधों की जड़ में क्या रहता है, गांठ रहती है, उसमें राइबोसियम रहता है। और इडली और डोसा जो सबको पसंद है उसमें भी क्या है, ईस्ट, उसमें क्या रहता है ईस्ट। मतलब पाठ क्रमांक 6, पाठ क्रमांक 7 और पाठ क्रमांक 8, जैसे अभी हमने 8 देखा तो उसमें जो सवाल था फिलिंग द ब्लैंक्स से हमने लिया। जब हम फिलिंग द ब्लैंक्स की पढ़ाई करते तो हमें पूरा पाठ पढ़ना रहता है, पूरा पाठ करने के बाद ही हम क्या करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स भरते हैं। इसलिए फिलिंग द ब्लैंक्स अगर हमारे जितनी मजबूत रहे, कोई भी पाठ रहेगा तो उस पाठ को पढ़ने के बाद आप खुद सवाल कर सकते हैं फिलिंग, उससे क्या होता है पूरा पाठ भी पढ़ते हैं और हमारा जो छोटे छोटे सवाल है वो भी क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। उसके बाद अलग शब्द पहचानते था, वो अलग क्यों है इसका कारण बताना है। आपको कुछ शब्द दिए हैं और वो अलग क्यों है वो आपको क्या करना है बताना। जैसे देखो पहला वाला सवाल है निमोनिया, घटसर्प, चेचक और हैजा। इसमें से आंसर क्या है, हैजा। उसके बाद लैक्टोबैसिलिया, राइबोसियम, किन्व, प्लॉसी, क्लॉस्ट्रिडियम। अब देखो इसमें जो है वो क्या है, क्लॉस्ट्रिडियम है। ये अन्य सभी उपयुक्त सूक्ष्म जीव से क्या है, मतलब क्लॉस्ट्रिडियम क्या है, ये अन्य सभी उपयुक्त सूक्ष्म जीव, मतलब लैक्टोबैसिलिया, राइबोसियम और किन्व क्या है, उपयुक्त सूक्ष्म जीव है, लेकिन ये उपयुक्त सूक्ष्म जीव। उसके बाद जंग लगना, रुबेला, जोड़ों का सड़ना, मोजे, इसमें भी क्या है, रुबेला ये क्या है, मानव में होने वाले विषाणुजन्य रोग है। रुबेला ये आया था कुछ साल पहले, ये क्या है मानवजन्य विषाणु, मानव में होने वाला विषाणुजन्य क्या है, रोग है। ठीक है, ये भी है निमोनिया, घटसर्प, चेक, ये भी, ये जो तीन है वो मानव में होने वाले रोग है, ये हैजा है, वो हैजा मनुष्य में नहीं। अभी जोड़ी लगाना है, राइबोसियम दिया है, क्लॉस्ट्रिडियम दिया है, पेनिसिलिन दिया है और किन्व दिया है। ठीक है, और यहाँ भी समूह दिया है, इसमें अन्य विषाक्तता दिया है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण दिया है, बिक्री उत्पादन और प्रतिजैविकता निर्माण। आपको क्या करना है, उसकी जोड़ी लगाना है, मतलब सही जोड़ी लगाना। अगर हम राइबोसियम कहते तो राइबोसियम का हमने देखा था, राइबोसियम क्या है, नाइट्रोजीकरण। राइबोसियम में पेड़ के पौधे जो रहते हैं उसके नीचे भाग में रहता है, मिट्टी में रहते हैं, जो मूल रहते हैं उस मूल में वो रहता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण।
वो करता है। क्लास्ट्रिडियम, क्लास्ट्रिडियम क्या है, अन्य विषकता है, वो बहुत डेंजर है ये वाला क्लास्ट्रिडियम सूक्ष्म। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या है, प्रतिजैविक निर्मित है, पेनिसिलिन दिया जाता है, ये प्रतिजैविक निर्मित करता है। किन्वा मतलब ईस्ट, जहाँ ब्रेड वगैरह खाते हैं तो वहाँ ये कहाँ रहता है, कहाँ निर्माण होता है, बेकरी उत्पन्न, बेकरी उत्पन्न मतलब खारी खाते हैं, टोस्ट खाते हैं, तो वहाँ जो रहता है वहाँ बेकरी उत्पादन में ईस्ट रहता है। अब देखिए फिर और उसी तरह सवाल है, आपको जोड़िया मिलाना है, यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखा है मैंने, उसमें आपको पर्यावरण पे होने वाला परिणाम भी उसके साथ आपको बताना, मतलब क्या होता है। अब देखिए धोखादायक कचरा ये अस्तंभ है, उसके बाद घरेलू कचरा, उसके बाद चिकित्सालय कचरा, औद्योगिक कचरा, शहरी कचरा। अब इसमें ये ऊपर नीचे दिया होगा लेकिन मैंने उसके सामने डायरेक्ट आंसर लिखा। अब धोखादायक कचरा इसका मतलब क्या है, जिससे धोखा पैदा होता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ रहते हैं उससे क्या होता है, सबसे ज्यादा धोखा रहता है। अब घरेलू कचरा, अब घरेलू कचरा इसमें क्या होता है, खराब हुआ भोजन, हल्के छिलके या और जो कुछ कचरा रहता है वो क्या रहता है, घरेलू कचरा। अभी देखो मुंबई महानगर पालिका पूरे एरिया में गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों को अलग अलग कर रखने के लिए कहा जाता है, वो भी फायदा है, क्यों, उससे क्या होता है कि गीला कचरा अलग रहता है और सूखा कचरा है, सूखा कचरा से हम खाद भी बना सकते हैं। उसका एक प्रोजेक्ट अंधेरी में है, नीलगिरी टावर, अंधेरी ईस्ट, अंधेरी हाँ अंधेरी ईस्ट में है, तो वहां उन्होंने बनाया है, मतलब सूखे कचरे से आप क्या बना सकते हैं, खत बना सकते हैं और खत उपयुक्त रहता है, इसलिए गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखना चाहिए। उसके बाद चिकित्सालय कचरा, मतलब हॉस्पिटल्स रहते हैं, उस हॉस्पिटल में कचरा रहता है, उसमें क्या क्या रहते हैं, बैंडेज रहते हैं, सुई रहती है, रुई रहती है, बैंडेज मतलब कोई अगर पेशेंट आया तो उसको बैंडेज मतलब कोई लगाए तो चेंज करते हो तो बैंडेज बाहर जाता है, सुई रहती है, इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद रुई मतलब काकूस रहता है, किसी को अगर लग गए उसे अगर रक्त बहता है तो उसको साफ करते और वहां डाल देते, वो वाला कचरा। उसके बाद अलग अलग ऑपरेशन रहते तो ऑपरेशन में, ऑपरेशन से कुछ निकाला हुआ जो पार्ट्स निकाले जाते हैं अनुपयोगी, वो भी क्या करते हैं, पिशवी में पैक बंद करके क्या करते हैं, कचरे में डाल देते हैं, ये चिकित्सालय कचरा है। औद्योगिक कचरा, औद्योगिक कचरा मतलब बड़े बड़े कारखाने रहते हैं, कलर्स के रहते हैं या शुगर्स के रहते हैं या अलग अलग प्रकार के कारखाने रहते हैं, तो उस कारखाने से जो रसायन निर्मित होती है वो रसायन बहुत घातक रहते हैं, रंग रहता है, राख रहती है, मतलब ये अलग अलग जो कारखाने उससे निर्माण होने जितने भी घातक पदार्थ है, रसायन है, उससे क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। बड़े कारखाने जैसे शुगर की फैक्ट्री अगल बगल में रहेगी तो उससे जो धुआं निकलता है तो उससे बहुत नुकसान हो जाता है, या वो पानी जो रहता है वो पानी अगर बाहर फेंक दिया ऐसे अगल बगल में, अगल बगल मतलब नाले से वो जाता है लेकिन उसका स्मेल जो रहता है बहुत एकदम उग्र रहता है, उसे तकलीफ होती है। उसके बाद शहरी कचरा, सब लोग शहरी भाग में रहते तो रहते कांच, रबर, प्लास्टिक बैग, आजकल प्लास्टिक बैग बंद है लेकिन कोई उसका ये नहीं सुनता नहीं, हर जगह प्लास्टिक बंद है। प्लास्टिक क्यों बंद किया गया है, क्योंकि वो डिकॉम्प जल्दी वो ये होता नहीं, उसको डिकॉम्पोज विघटक नहीं, अपघटन उसका जल्दी नहीं होता, विघटक मतलब जल्दा नहीं होता, जल्द क्यों नहीं होता, तो प्लास्टिक है और उसको न करने के लिए क्या क्या हर जगह कागज की पिशवी या ये सरकार ने नियम किया था लेकिन कोई लोग सुनते नहीं, ये बहुत डेंजरस है, वो विघटन होने के लिए बहुत समय लगता है, प्लास्टिक जो है उसको विघटन होने के लिए बहुत समय लगता है। हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं उसकी बॉटल समुद्र जब हम घूमने जाते हैं तो फेंक देते हैं, तो उसका विघटन जल्दी नहीं होता और उसका परिणाम जो है जो जीव जंतु है समुद्र के उनके भी ऊपर होता है, हमारे हम जब अगल बगल में ये जल्दी नहीं दिखता हम लोगों को लेकिन उसका भी विपरीत परिणाम होता है।
अब उसके बाद ये नौवे पार्ट का है, अब देखिए उसमें निम्नलिखित प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। क्या देखो, आपदाओं में जख्मी हुई आपदाग्रस्तों के प्रथम उपचार कैसे दिया जाना चाहिए। देखो सब लोग को ये पता होना चाहिए कि कोई भी कहा भी किसी के ऊपर आपत्काल परिस्थिति आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसमें क्या करना चाहिए हमें पता होना चाहिए। मतलब प्रथम उपचार क्या क्या देते हैं, कैसे देते हैं, पता होना चाहिए। जैसे कि आपदाओं में जख्मी हुए आपदग्रस्तों के प्रथम उपचार कैसे दिया जाना चाहिए, इसमें तीन महत्वपूर्ण काम रहते हैं, उसे हम एबीसी भी कहते हैं और या प्रथम उपचार भी कहते हैं। तीन काम कौन कौन से है देखो, श्वसन मार्ग, उसके बाद श्वासोश्वास ब्रीदिंग कहते हैं उसको, और उसके बाद रक्ताभिसरण। ये तीन जो क्रिया है बहुत जरूरी। लेकिन आजकल क्या होता है, कोई गिर गया, किसी को लग गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसको मदद करने अगर हम जाते हैं तो हमारे मन में डर आता है कि नहीं, मैं अगर उसको मदद करूं तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगा और 10 बार मुझे सवाल। ऐसा नहीं है, आप पहले जख्मी हुए इंसान को मदद करना चाहिए, यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। और प्रथम कर्तव्य करने के लिए क्या क्या करना चाहिए जरूर, देखो श्वसन मार्ग, आपातग्रस्त में सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो सिर के नीचे और नीचे की ओर कीजिए, या टुड़ी को ऊपर की ओर उठाए और उसके श्वसन नली खुली रहती, मतलब उसको उठाना है। अगर वो गिर गया कुछ हो गया तो उसको थोड़ा उसको ऊपर करना है। अगर श्वास लेने में दिक्कत है तो चेस्ट के ऊपर आप उसको प्रेस भी कर सकते हैं, या मुंह के ओर से उसको हवा आप अंदर डाल सकते हैं। मतलब ये करना है अगर जितना हो सके तो, अगर उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद ब्रीदिंग, श्वासोश्वास बंद हो गया तो आपातग्रस्त को मुंह के कृत्रिम श्वासोश्वास दे। अगर उसका श्वासोश्वास बंद हो गया है, मतलब ब्रीदिंग बंद हो गई, सांस लेना बंद हो गया है, तो आपको क्या करना है, मुंह से उसको सांस देना और छाती को क्या करना है, दबाना है। मतलब ये काम करना है, इसमें डरने की बात नहीं है। ये अफवाह फैल गई है कि किसी को मदद कर गई तो पुलिस लेके जाते हैं, पुलिस किसी को बिना कारण लेके नहीं जाए। अगर आपने मदद की है तो कुछ सवाल रहते हैं कि क्यों गिरा, कैसे गिरा, वो नॉर्मली सवाल रहते हैं। इसलिए अगर आपके अगल बगल में कोई इंसान गिरा है, उसको चोट लगी है, तो आपको प्रथम उपचार देना चाहिए बिना डर। उसके बाद रक्ताभिसरण, आपदग्रस्त बेहोश हो तो इस वक्त को पहले 2 बार कृत्रिम श्वास दे तथा बाद में छाती पर दोनों हथेलियों की सहायता से हाथ रखकर हृदय पर जोर से दाब देकर छोड़ने की यह क्रिया लगभग 15 बार करें। देखो अगर कोई इंसान गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तो हमें क्या करना है, पहले उसको कृत्रिम, इसका मतलब उसे श्वास देना है, उसके बाद छाती के ऊपर पहले मैंने कहा कि उसको दबाना है, और आपको ये 10-12 बार 15 बार आपको करना है। इससे होता क्या, देखो CPR मतलब कार्डियोपल्मोनरी जो रहती है उसे CPR को प्राइमरी रेस्पिरेशन कहते हैं, पल्मोनरी। आपातग्रस्त व्यक्ति का रक्त परिसंचरण पुनश्च सुचारू रूप से शुरू कर होने में क्या होता है, मदद होता है। उससे क्या हो जाता है, अगर गिर गया है, बेहोश हो गया, अगर किसी शरीर के भाग को अगर रक्त पहुंचने में दिक्कत हो रही है, तो उससे क्या होता है, रक्त क्या होता है, सर्कुलेट हो जाता है। इसलिए हमें ये जो तीन चीजें हैं, श्वसन मार्ग, उसके बाद ब्रीदिंग, श्वासोश्वास, उसके बाद रक्ताभिसरण, ये तीन चीजें हमें करनी है। नॉर्मली आप कर सकते हैं बिना डरे। तो अगर किसी को अगर दिक्कत हो, आपातग्रस्त हो, तो आपको मदद करना चाहिए बिना डरे। ये वाले तीन चीजें आपको याद रखना है, श्वसन मार्ग याद रखना है, श्वासोश्वास करना है, रक्ताभिसरण करना है। ये वाले तीन चीजें आपको करनी चाहिए। ये वाला नौवे वाले पार्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद 10वां पार्ट है। अब 10वां पार्ट है जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रगति की नई दिशा। देखो आजकल की जो दुनिया है, जैसे मनुष्य को तीन चीजें बहुत जरूरी, प्राथमिक गरज जो हम कहते हैं उसमें अन्न वस्त्र निवारा। लेकिन आजकल की जो चौथी गरज है वो गई मोबाइल। अब उस मोबाइल का जितना फायदा है उतना टूटा भी। देखो जब हमारे पास अगर मोबाइल रहता है घर में, हम सुबह सुबह उठते तो पहले मोबाइल ही देखते हैं, हमारा मोबाइल कहाँ गया। मतलब हमें इतनी आदत हो गई है कि हम उस मोबाइल के, एक बार हमें खाना नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन हम उस मोबाइल के इतने अधीन हो गए कि कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन उस मोबाइल के कुछ फायदे भी है, उसका फायदा हमें लेना चाहिए।
ठीक है, तो क्या क्या फायदे रहते हैं हमारे जीवन में, जैसे कि आजकल देखो 6-7 महीने 8 महीने से कोरोना की महामारी आई है, तो हम सब लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं। हमें जो भी चीज कोई दिक्कत आती है तो हम कंप्यूटर पे सर्च करते हैं, मोबाइल पे सर्च करते हैं, मतलब जो जानकारी हमें पता नहीं वो हम मोबाइल से या सीपीएस मतलब कंप्यूटर से लेते हैं। ये इसका फायदा है हर जगह, मतलब आप अभी घर बैठे टीवी का रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बैंकिंग जाने की जरूरत नहीं, मतलब बहुत सारी सुविधा हमें मिले। उसके साथ जितना फायदा उतना तोटा भी है, जैसे पबजी जैसे गेम आए थे, शार्क जैसे गेम आए थे, तो बच्चे उसको डाउनलोड करते, तो ये वाली चीजें जो नुकसान वाली चीजें उसे हमें नहीं करना। अब इस पार्ट में उससे हमें क्या फायदा होता है हमने सीखा। रिक्त स्थानों में ऊंची शब्द लिखकर कथनों को पूर्ण करके उसका समर्थन, मतलब आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स करना, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। देखो संगणक पर कार्य करते समय मेमोरी की सूचना हम पढ़ सकते हैं तथा डॉट 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 मेमोरी में हम अन्य प्रक्रिया कर सकते हैं। क्या है उसका, तो इंटरनल तथा प्राथमिक मेमोरी, उसे क्या कहते हैं, देखिए कारण प्रक्रिया सीपीयू में ही की जाती है, अब कंप्यूटर की जो प्रक्रिया रहती है वो सीपीयू में की जाती है, और प्राथमिक मेमोरी किसमें रहती है, सीपीयू में ही रहती। उसके बाद वैज्ञानिकों के आविष्कार के चित्र और वीडियो के प्रस्तुतिकरण के लिए टिम्ब का उपयोग किया जाता है। देखो वैज्ञानिक का आविष्करण या चित्र या वीडियो प्रस्तुत करने की, जैसे आजकल सभी टीचर लोग आपको पीपीटी के द्वारा पढ़ा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं। मतलब एक स्लाइड जाने के बाद दूसरी स्लाइड आती है, रोटेशनल हो जाते हैं, कभी वर्टिकल आते हैं, कभी हॉरिजॉन्टल, कभी आड़ा आता है, कभी टेढ़ा जाता है, मतलब ये सारी जो चीजें हैं जो आप देखते हैं वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहता है, उसे क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। चित्र या वीडियो, जैसे कुछ दिन पहले टिकटॉक आया था, तो टिकटॉक के ऊपर बहुत सारे लोग वीडियो बनाते थे और उसको एडिट करते थे, है ना, एक फोटो लेते थे, फोटो के बाद एक के फोटो बाद एक, मतलब उसमें वीडियो क्रिएट करते समय भी आप क्या करते, पावर पॉइंट का यूज करते। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक ही स्लाइड पर विषय वस्तु क्या रहता है, मतलब एक ही सब्जेक्ट रहता है, उसके ऊपर आप विषय लेते हैं, विषय वस्तु रहते हैं, उसके ऊपर आप चित्र और वीडियो भी डाल सकते हैं, कुछ फोटोज रहते हैं और कुछ वीडियोज भी हो सकते हैं, इसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कहते हैं। प्रयोग द्वारा प्राप्त संख्यात्मक जानकारी पर प्रक्रिया करने, तालिका और आलेख तैयार करने के लिए टिम्ब का आपने पांचवी छठी मतलब अपने पिछले कक्षा में आपने आलेख देखा होगा, ठीक है ना, तो वो वाली चीजें जो रहती है वो भी हम कंप्यूटर में दिखा सकते हैं, जैसे आलेख और चार्ट कंप्यूटर में हम देखते, उसे एक्सेल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मतलब विद्यार्थियों की संख्या हम भर सकते हैं, हर विद्यार्थी कितने दिन आया वो भी सारी चीजें हम एक्सेल में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में विविध प्रकार के आलेख चार्ट तैयार करने की भी सुविधा। चौथा है, पहली पीढ़ी में संगणक डॉट डॉट के कारण बंद पड़ जाते थे, जो पहली पीढ़ी थी उसमें संगणक बंद पड़ जाते थे, क्यों बंद पड़ जाते थे, क्योंकि ऊष्मा की निर्मिति। अब ऊष्मा की निर्मिति क्या है, देखिए पहले पीढ़ी में निर्वात नलिका का उपयोग कर के कारण बड़ी मात्रा में या वी लिखा है विद्युत ऊर्जा खर्च हो जाती, मतलब पहले क्या करते थे, निर्वात नलिका का उपयोग करके विद्युत निर्मित किया जाता था, और वो क्या होता था, उसके लिए खर्चा लगता था, और जब ये विद्युत निर्मित की जाती थी तो वो जो नलिका है, निर्वात नलिका है, वो तप्त तो हो जाती थी, मतलब गर्म हो जाती थी, और कुछ समय बाद उसका जो लाइट आगे जाने वाली जो प्रक्रिया रहती थी वो क्या हो जाती थी, निष्क्रिय हो जाती थी या रुक जाती थी, इसीलिए वो क्या होता था, पहली पीढ़ी में संगणक बंद। संगणक को विद्युत आपूर्ति नहीं दिया तो उसका कार्य नहीं चले, सॉरी संगणक को टिम्ब नहीं दिया तो उसका कार्य नहीं चले, तो उसका आंसर क्या है, विद्युत आपूर्ति। अब इलेक्ट्रॉनिक वस्तु या संगणक चालू करने के लिए क्या है, विद्युत प्रवाह बहुत जरूरी है, मतलब विद्युत आपूर्ति देना बहुत जरूरी, जैसे कि घर में फैन अगर चलाना है या लाइट चलाना है, टीवी चलाना है, मोबाइल चलाना है, मोबाइल अगर चलाना है तो उसको चार्जिंग चाहिए, टीवी चलाना है तो उसके लिए लाइट चाहिए, मतलब हर एक चीज है जिसको चार्जिंग करना पड़ता है, मतलब विद्युत प्रवाह देना पड़ता है। उसी तरह संगणक और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है, यंत्र है,
को शुरू करने के लिए विद्युत की आवश्यकता रहेगी। ये लास्ट वाला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सूचना और संचार की भूमिका और महत्व स्पष्ट कीजिए। मतलब विज्ञान और जो अभी प्रायोगिक संचार आया है उसमें कंप्यूटर को हो या मोबाइल को, इसका भूमिका क्या है हमें वो स्पष्ट करना है। जैसे विज्ञान विषय सीखना अधिक सुलभ हो गया, क्यों सुलभ हो गया ये, एवं सूचना एवं संचार का फायदा इतना हुआ है कि हम उस विषय को सीखना बहुत सुलभ हो। अगर मुझे कोई चीज समझ में नहीं आए विज्ञान या कौन से भी पार्ट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, गूगल क्रोम में जाकर उसको सर्च कर सकता हूँ, और सर्च करने के बाद आपको अपनी भाषा में भी वो क्या कर सकते हैं, वो माहिती मिल सकती है, वो सीखना क्या हो गया है, बहुत इजी हो गया है। प्रयोग कृति स्वतः तथा देखकर कर सकते हैं, वीडियोज रहते हैं यूट्यूब पे, आप वीडियो देखते हैं। अगर आपको कौन सी कृति समझ में नहीं आई प्रयोग करते समय, विज्ञान में प्रयोग रहते हैं तो कृति, या मैथ्स में आप कुछ पायरीज रहती है, मतलब स्टेप रहते हैं, वो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको वो आप वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं। मतलब इससे फायदा हर सब्जेक्ट में होता है, विज्ञान में जैसा होता है उसी दूसरे और सब्जेक्ट में भी होता है। वैज्ञानिक सूचना एकत्र करने के लिए इंटरनेट और न्यूज़पेपर। अब देखिए उससे फायदा क्या है, भूमिका क्या होती है उसकी, कि वैज्ञानिक सूचना मतलब अलग अलग प्रकार की जो वैज्ञानिक सूचना है हमें मिल जाती है, हम इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, अगर जो आपका ट्विटर अकाउंट है तो ट्विटर अकाउंट पे भी आ सकता है अगर आप उसको फॉलो किया है तो। उसके बाद इंटरनेट पे वो सर्च कर सकते हैं, न्यूज पेपर अगर आप अलग अलग प्रकार न्यूज पेपर है उस न्यूज पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो उससे भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरा है प्रस्तुतीकरण, जैसे हम हर टीचर कहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जैसे अन्य सब टीचर करते हैं पढ़ाते हैं, पीपीटी कहते हैं उसको। मतलब वैज्ञानिक संकल्पना अगर मुझे समझना है तो उसके लिए पीपीटी द्वारा उसे हम क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सिस्टम है, अलग अलग प्रकार हमारी बॉडी है, जो बॉडी में जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर समझना है, अगर समझ में नहीं आया तो अगर हम YouTube पे सर्च करते हैं तो वो YouTube पे हमें मिल जाए, मिलने के बाद वहां भी आपको पीपीटी मिलेगी, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट का नाम क्या है, तो वो पीपीटी की वह इससे क्या होता है कि हर पार्ट की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है और समझना सुलभ हो जाता है। अध्ययन में सहकारी, तज्ञ शिक्षक का मार्गदर्शन मिलता है, जब अगर कोई बात कोई पार्ट या कोई विषय का घटक अगर आपको समझ में नहीं आया तो YouTube पे अगर आप उसका नाम डाल के सर्च किया तो आपको अलग अलग तज्ञ शिक्षक वहां मिल जाते हैं, और उससे अलग अलग उसी घटक के ऊपर अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अंदाज लगाने में सहकारी, विज्ञान में संचार का उपयोग क्या है, जैसे कि देखो कुछ दिनों पहले ये जैसे कोरोना की महामारी, ये हमें समझ में आ गया, मतलब कौन से देश में कितना है क्या है ये समझ में आता है, तो इंटरनेट का यूज करके हमें वो समझ, या न्यूज पेपर में हम देखते हैं या बातमीज देखते हैं। और जैसे कि मौसम है, अब मौसम की जानकारी अगर हमें मिलना है तो वैज्ञानिक वहां भी वैज्ञानिक रहते हैं, भौगोलिक वैज्ञानिक रहते हैं, वो भी उसकी जानकारी कंप्यूटर से, बड़े कंप्यूटर रहते हैं, छोटे नहीं है माइक्रोसॉफ्ट, बड़े बड़े कंप्यूटर रहते हैं, वो कंप्यूटर के द्वारा उनको सूचना मिलती है और उसी के अनुसार क्या करते हैं वो हमें बताते हैं। तो आज हमने पाठ क्रमांक 6 से लेके पाठ क्रमांक 10 तक जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल, मतलब जो जिससे पूरा पाठ कवर हो सकता है या हमें वो लगता है कि जरूरी, आप भी निकाल सकते, ऐसा नहीं कि मैंने निकाला मतलब वो जरूरी, आप खुद भी हर पार्ट में से वन लाइन क्वेश्चन 10-12 खुद भी निकाल सकते हैं, आप खुद जितना तैयार करें। वन लाइन क्वेश्चन ही इसमें मैंने किया कि जब हम ऑनलाइन क्वेश्चन तैयार करते हैं तो हमें वो पैराग्राफ रहे या बुक का एक पान रहे वो पढ़ना रहता है, और जब हम ऑनलाइन क्वेश्चंस करते हैं तो ऑनलाइन क्वेश्चन के साथ बड़े सवाल भी हम तैयार करते जाते हैं, इसलिए ऑनलाइन क्वेश्चन सबसे पहले करना। किसी को कुछ सवाल पूछना हो तो पूछो बेटा, रितेश पूछो, माइक चालू करो रितेश। सर ये 9th का क्यों पढ़ा रहे अभी, मुझे 9th का ही दिया था सर, पूरा ये पीपीटी 9th का है, हम लोग को 9th का फिलिंग का ब्लैंक्स करा रहे हैं, 9th का ही दिया था मुझे पीपीटी। हेलो, हाँ सर।
हेलो यस सर, ये जो पढ़ाने के लिए मुझे कहा था ना, उसमें नाइन्थ का कुछ पाठ के क्वेश्चंस दिए, मतलब पाठ क्रमांक 6 से लेके पाठ क्रमांक 10। ओके सर, सर नाइन्थ का रिवाइज करा दे क्या? हाँ पूजा पांडा पूछो। सर मेरा भी क्वेश्चन यही था कि नाइन्थ का क्यों पढ़ा रहे। सर जी जो लिंक भेजा था उसमें नाइन्थ का ही था। एक मिनट सर, देखिए सर, एक मिनट चेक करते सर जरा। हाँ चेक कीजिए सर। नवी का ही दिया है उसमें आप, कक्षा क्लास स्टैंडर्ड के सामने आपने नवी का ही दिया था, मुझे लगा है नवी को ज्वाइन किया है आप। सर चैप्टर नंबर 6 से 10 तक कराना था सर, गणेश सर। हाँ 6 से 10 सर, आगे क्लास देखिए सर, 9th लिखा है। नहीं नहीं वो पूरा टाइम टेबल आप देखेंगे तो वो 9th के बाद 9th का लिखा हुआ है, और ये 10वीं का कराना था। नहीं नहीं उसके आगे सर 9वीं लिखा है क्लास, आपके नाम के आगे 9 लिखा है, उसके बाद पूरी लिस्ट है वो आगे, उसके आगे 9वीं के चैप्टर का सब नाम है। इसके आगे सर आपको मैं भेजता हूँ सर। हाँ हाँ जरा एक्सेल शीट आप वापस से देखो, आपके नाम के पहले देखना था आपको, आपके नाम के बाद आपने 9 देखा ना। अभी जो हमें करना था वो 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 का क्वेश्चन नंबर 1A चैप्टर नंबर 6 से 10 तक का महत्वाच्य प्रश्न करना था। एक बार आप देख लीजिए, फिर हो सके तो हम लोग को फिर से देखते बात करके क्या करना पड़ेगा। आपने 9th का ले लिया है। ओके ओके सर, उसके मैंने जब देख, ठीक है सर हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं, मैं बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके ओके सर, ओके। बच्चों ये आपके लिए फिर से जो है इस कंटेंट को अरेंज कर दिया जाएगा। ओके अभी क्वेश्चंस नहीं लेते सर, लेक्चर फिनिश करते हैं। हाँ मंडे को होगा लेक्चर। ये जो लेक्चर था ना 10th का बच्चों, ये 9th का सर ने जो लिया है, ये भी रिवीजन के लिए आप लोग को, चलो इम्पोर्टेंट ही था, बेसिक आपका क्लियर हो गया इससे। अभी इसका जो टाइम टेबल के हिसाब से ना वापस से हम अरेंज करने की कोशिश करेंगे। मंडे को मिलते हैं सुबह 8 बजे।